कराची पुलिस ने बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। दो अहलकारों ने जानों का नजराना पेश करके न जाने कितने घरों के चिराग गुल होने से बचा लिए। वाकया कराची के पोश इलाके सीवीयू के साहिल पर वाकई विलेज होटल के करीब पेश आया, जहां एक मशकूक हैरूफ को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, जिस पर गाड़ी में सवार मुलजमान ने फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजमान का ताकुब किया, जिस पर मुलजमान ने शदीद फायरिंग कर दी और विलेज होटल के पीछे पहुँच गए, जहाँ उन्होंने फरार का रास्ता ना पाकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में हैरूफ मुकम्मल तबाह और तीनों दहशतगर्द मौके पर ही हलाक हो गए। बम सुसाइड कर दिया और ब्लास्ट कर दिया, जिसमें तीनों ही जो अभी हैं, जिसकी जैकेट भी हैं, अभी गाड़ी में भी हैं। धमाके और फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस अहलकार मौला बख्श मौके पर ही शहीद हो गया, जबकि एक और पुलिस अहलकार जिसका नाम तकी बताया गया है शदीद जख्मी हुआ, जो बाद अजा अस्पताल में चल बसा। वाकई के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सूबाई वजीर दाखिला मंजूर वसान वाकई की इत्तला मिलते ही वहाँ पहुँचे, जिसके कुछ देर बाद वजीर आला सिंह सैयद कायम अली शाह और दीगर आला अफसरान भी पहुँच गए। वजीर दाखिला मंजूर वसान ने शहीद अहलकारों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख इमदाद का ऐलान किया और करीबी अजीज को महकमा पुलिस मुलाजमत देने का ऐलान किया। जो दो सिपाही थे हमारे, एक बेचारा शहीद हो गया, उसका नाम क्या था, मौला बख्श, और एक जख्मी है सफीर, उसके बेटे के लिए नौकरी का अनाउंस करता हूं, और उसके अलावा जो जख्मी है उनके लिए भी 5 लाख का अनाउंस करता हूं। इस मौके पर वजीर आला कायम अली शाह ने पुलिस अहलकारों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे। धमाके के बाद शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार को भी सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद कर दिया गया।